नमस्कार, मैं एसके आनंद और आप देख रहे हैं पीएम बिहार न्यूज। अभी मैं मौजूद हूं जम्मू जिले के खैरा प्रखंड के गोपालपुर पंचायत में, और गोपालपुर पंचायत में एक स्टेडियम है जो अपने विकास का आशा जो रही है यहां के जनप्रतिनिधियों से। स्टेडियम का नाम है स्वर्गीय आनंदी तांती मेमोरियल स्टेडियम, और यहाँ पर देखिए क्रिकेट लगभग पिछले 10 वर्षों से इस स्टेडियम में क्रिकेट का आयोजन था, प्रत्येक मकर संक्रांति पर्व के अवसर पर किया जाता है। आज का मैच था रांची वर्सेस गोपालपुर, जिसमें कि गोपालपुर की टीमें जीता। और आइए जानते हैं इस स्टेडियम के विषय में, यहाँ का जो क्या सुविधा है और क्या सुविधा नहीं है, और यहाँ के जनप्रतिनिधियों से कई बार ये लोग गुहार लगा चुके हैं, अपनी बातें लगा चुके हैं कि ये हम लोग का एक युवाओं का जिस प्रकार से क्रिकेट में खेलने का ललक जगी है, इस स्टेडियम का कहीं ना कहीं विकास होना चाहिए, इसके लेकर के क्या क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप लोग यहां पे आकर के रिपोर्टिंग कर रहे हैं। देखिए, बिहार में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, बट हमारे गवर्नमेंट इस प्रतिभा को आगे ले जाना ही नहीं चाहती है, शायद ऐसा ही मनसा हम लोगों का है। अच्छा, हर चीज की तरफ उनका ध्यान जाता है लेकिन खेल भावना की तरफ उनका ध्यान आकर्षित नहीं होता है, जिसके कारण आज हमारे बीच इतना प्यारा और इतना सुंदर, जिसे सांस्कृतिक धरोहर भी कह सकते हैं, वो स्टेडियम हम लोग के बीच में है। बट अभी तक गवर्नमेंट इसके तहत जो एक चार दीवारी चारों तरफ बना हुआ है, स्टेडियम का विजुअल आप देख सकते हैं किस प्रकार से अभी विकास के लिए राह जो रही है। लगभग 10 साल पहले जो एक बाउंड्री हुआ था वो अभी तक वही है। कितना साल पहले? 10 साल पहले ही हुआ था, उससे भी पहले हुआ था, जो भी पहले। हाँ, कभी कभी गिर जाता है तो हम लोग ग्राम वासियों ही उसको रिपेयर करवा देते हैं, बट गवर्नमेंट ना तो इसके विषय में कुछ सोचती है। इसी तरह से बिहार में सांस्कृतिक धरोहर का धीरे धीरे हनन ही हो रहा है, समझिए तो एक भी सांस्कृतिक धरोहर हमारे जम्मू डिस्ट्रिक्ट में फिलहाल उस तरह बचा हुआ नहीं है, और इसे हम लोग बना करके और बचा करके रखे हुए हैं। गवर्नमेंट से यही हम लोग आग्रह करेंगे कि इसे भी आगे लेकर के जाएं और इस पर भी थोड़ा सा अपने ध्यान आकर्षित करें, ताकि आशीष जी आपका एज कितना हुआ? 24 साल। वोट देते होंगे? जरूर, है ना? जरूर, और हम लोग इसलिए ही वोट देते हैं ताकि गवर्नमेंट भी हम लोगों के बारे में सोचे और खेल भावना को भी, खेल को भी आगे ले जाए। जिस तरह अपने वोट बैंक को आगे ले जा रहे हैं, उस तरह से खेल को भी आगे ले जाना चाहिए। कहीं ना कहीं आप लोग युवा हैं, क्रिकेट आपके अंदर जिंदा हमेशा रहता है, भारत के बिहार के हर एक नागरिक में यानी युवाओं में क्रिकेट जिंदा है जरूर, लेकिन आपका स्टेडियम अभी तक यहाँ के जनप्रतिनिधि के लिए, चूंकि आपके यहाँ खेल विज्ञान मंत्री आपके यहाँ कहिए गोल्ड मेडलिस्ट है ना, गोल्डन गर्ल भी आपके जिला की है, लेकिन क्या किए हैं आपके लिए? हमारे लिए तो खैर कुछ नहीं किए, अपने लिए जो किए सब किए, समझे? और कहीं ना कहीं सरकार भी इसके बारे में जिम्मेदार है, मतलब पूरा तरह जी, 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 जी पूरा तरह। क्या कहेंगे सर आपका? क्या जी, शुभ नाम बबलू कुमार। सबसे क्या कहेंगे बबलू? सबसे पहले तो आपका तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा। अरे मीडिया का धन्यवाद देते हैं सर, जो कि आज इतना साल से पहली बार यहाँ इस ग्राउंड पर मीडिया भी पहुँचे हैं, इसके लिए धन्यवाद दिए। और हम चाहेंगे कि इस ग्राउंड को पूरा तरह से दिखाया जाए कि क्या स्थिति है। हम लोग अगर कुछ कार्यक्रम करते हैं तो अपने से खुद से मिट्टी गिरवाना या रिपेयर करवाना, ये सब पर थोड़ा ध्यान दिया जाए सरकार की ओर से। समय में जब जनप्रतिनिधि आता है आपके द्वार पर, तो कभी चर्चा रखे हैं? चर्चा बहुत बार रख चुके हैं हम लोग, पर यहाँ कोई कुछ करने के लिए आशा दे देते हैं, फिर आगे चल के अपने पीछे हो जाते हैं, मतलब आशा दे देते हैं जी, आशा को लेके घूमिए जी, यही ना जी जी, यानी आशा दे देते हैं। देखिए यहाँ पर अभी क्रिकेट जीते हैं, दिखाइए मेडल, देखिए अभी जीते हैं और इंडियन क्रिकेट क्लब गोपालपुर मैन ऑफ द मैच बने हैं। क्या कहेंगे इस ग्राउंड के विषय? देखिए ग्राउंड तो बहुत बढ़िया है, और थोड़ा सा उसमें है फोल्ड है, जो उसको पूरे है नहीं, जो गड्ढा गुड्ढी है उसको ठीक किया जाए। और ग्राउंड तो अभी मैं अपने देखा हूँ अपने एरिया में, इतना बढ़िया घेराबंदी ग्राउंड नहीं किया हुआ है, घेराबंदी किया हुआ है लेकिन इसको देखा जाए, बार बार देखा जाए, क्योंकि ये बच्चे लोग का भविष्य है, अगर यहाँ नहीं देखेंगे तो बच्चे लोग गाँव से ही निकलते हैं। क्रिकेटर है, हम आए हैं अलीगंज से आए हैं, अलीगंज। मेरा घर दीननगर है, मेरा इस्लाम नगर प्रखंड है। अच्छा, वहीं से आए हम खेलने के लिए, अलीगंज से आए जी जी, गोपालपुर में है जी। गोपालपुर के युवाओं में क्रिकेट का बहुत ज्यादा जुनून है, बहुत ज्यादा जुनून है, हम देख के बहुत खुश हुआ। यहाँ का आयोजक जो है बहुत बढ़िया है, यहाँ का टूर्नामेंट बहुत बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया है, जितने भी आयोजक है सब बढ़िया कराया, टूर्नामेंट भी बढ़िया कराया, और हम पहली बार यहाँ है इस सरजमी पे, हम पहली बार आए हैं और हमको बहुत खुशी हुआ यहाँ देख के, खुश हैं, बहुत ज्यादा खुश हम यहाँ पे हैं, मतलब टूर्नामेंट को देख करके। ग्राउंड की बात रहा तो उसमें कुछ तो देखिए, अलीगंज का आदमी तारीफ आपका कर रहा है उसके लिए मैं आप लोगों का बहुत धन्यवाद। भोला जी क्या कहेंगे?
कैसा मतलब लगा खेल करके भाई? खेल करके तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन साथ में अर्श भैया, अर्श भैया इनके साथ खेल के बहुत अच्छा लगा, काफी कुछ इनसे सीखने को मिला। भैया ने हमें बोल चुका था कि स्लिप में आप खटना, वहाँ पे प्रेशर बनाते रहना, और मैंने अपोजिट टीम पे काफी प्रेशर बनाया, जिसके वजह से क्रिकेट ग्राउंड के विषय में क्या कहेंगे? क्रिकेट ग्राउंड में हम ठीक है, बस साइड साइड में गड्ढा गुड्ढे जिसमें खेलने वक्त हम लोग का पैर में खिंचाव आ जाता है, उसके लिए हम यहाँ से चाहेंगे कि जो भी विधायक हो या मंत्री हो एक बार आके इस ग्राउंड को रिपेयर करवा जरूर इसका मतलब विकास के लिए सोचे। क्या तुम लोग क्रिकेट खेलते हो?